गाइस वेलकम बैक टू यू ऑन चैनल बाजार के कुमार। तो हर रोज की तरह फिर से एक नए ज़बरदस्त स्टॉक आप लोग के सामने लाया हूं मैं। स्टॉक बहुत ही बढ़िया है और स्टॉक की जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो बहुत ही शार्प मूविंग देखने को मिल रहा है स्टॉक में, तो उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो तो अंत जरूर देखिएगा। स्टॉक को आप लोग स्विंग ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हर एक पैरामीटर पर स्टॉक बुलिश है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए स्टॉक का नाम है लॉरस लैब्स लिमिटेड, फार्मा सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त दिग्गज स्टॉक इसको कहते हैं हम लोग। तो स्टॉक में हाल ही में बोनस एक्टिवेट हुआ था, उसी बाद थोड़ा स्टॉक में फिर से प्राइस डाउन देखने को मिल रहा था। तो स्टॉक की हम लोग हाई देखिए 1550 का हाई था और 21 सितंबर को था और लगभग 31 सितंबर पहले स्टॉक में एक तो बोनस एक्टिवेट हुआ। जो लोग लिए होंगे वो लोग तो बहुत ही फायदे में होंगे। स्टॉक की रिटर्न बात करें तो 1 ईयर रिटर्न दे सकते हैं, ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, इसमें कोई खराबी नहीं है। और स्टॉक को अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है देखिए 326 के आसपास प्राइस चल रहा है मार्केट प्राइस, और स्टॉक का हाई देखिए 342 आज का हाई था और लो देखिए 325। तो स्टॉक ऑलमोस्ट उसके लोएस्ट प्राइस के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो जैसा कि बात करेंगे स्टॉक में हम लोग पोजिशन बढ़ाने की, तो किस पोजिशन पर हम लोग बात करेंगे सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को फ़ायदा हो सके। और देखिए स्टॉक की हिस्ट्री डाटा निकल, देखिए लगभग 5 अक्टूबर को था वो, देखिए 5 अक्टूबर को था 268 का लो था, वहीं से स्टॉक ने 343 का हाई मार दिया है। देखिए लगभग 2-3 के अंदर ही एकदम क्या रिटर्न देखे गया। तो हम लोग भी इसी कुछ मोमेंटम का फ़ायदा उठाना है, लोएस्ट पे बाई करना है और हाई पे सेल करना है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में अवॉइड किया हूँ। और स्टॉक की इनकम देख सकते हैं ऑलमोस्ट देयर है, अब इंक्रीज देखने का, जहाँ 11,000 था वहीं पे देखिए 15,878 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही बढ़िया है। और स्टॉक की डिलीवरी क्वांटिटी देखिए आज के लगभग 43% का डिलीवरी क्वांटिटी आज के दिन के मिल रहा है, जो बहुत ही बढ़िया है। और स्टॉक की वॉल्यूम देखिए आज देखिए लगभग 5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम ट्रेडिंग हुई है, जो बहुत ही बढ़िया मूविंग देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की बेसिक चार्ट देखिए लगभग स्टॉक जो रेंज बन गया है 352 का ऊपर की तरफ रेंज बन गया है और नीचे की तरफ देखिए 300 का लेवल बन चुका है। तो हम लोग इसी सपोर्ट के आसपास स्टॉक को बाई करेंगे और इस लेवल के आसपास हम लोग सही करेंगे, वो भी थोड़ी दिन के अंदर इसको प्रॉफिट जनरेट करेंगे हम लोग। तो देखिए स्टॉक की टेक्निकल बात करते हैं, टेक्निकल मूविंग एवरेज टेक्निकल इंडिकेटर ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर पर बुलिश सिग्नल दे रहा है। और देखिए मूविंग एवरेज जो था देखिए 319 हर एक पैरामीटर पर स्टॉक बुलिश है। अब देखिए शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म पर भी स्टॉक बुलिश है। अब बात करें टेक्निकल इंडिकेटर, देखिए RSI यहाँ पे 68.43 चल रहा है, बुलिश मोमेंटम है। MACD यहाँ पे BIS चल रहा है, थोड़ा नेगेटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है। और स्टॉचेस यहाँ पे ओवर बॉट जोन में चल रहा था, इसलिए आज स्टॉक में थोड़ा कार्शन देखने को मिल रहा था। और बात करते देखिए ROC वो भी बुलिश है, CCI भी बुलिश है, विलियम परसेंटेज यहाँ पे ओवर बॉट जोन में चला चुका है, बट मनी फ्लो इंडेक्स न्यूट्रल पे है। तो स्टॉक में थोड़ी बहुत कार्शन देखने को मिलेगा, तो हम लोग उसी कार्शन का फ़ायदा उठाएंगे, बाई ऑन डीप सेल ऑन हाई की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। अब देखिए चार्ट में, देखिए मेरा जो टेक्निकल चार्ट बन चुका है, देखिए स्टॉक में जो लाइन देखिए, देखिए स्टॉक फिलहाल जो क्लोजिंग दिया है उसके रेड कैंडल बन चुका है, जो नेगेटिव इंडिकेटर दे रहा है फिलहाल मोमेंटम के लिए। स्टॉक अगर ग्रीन क्लोज देगा तब हम लोग के लिए एक शार्प मूविंग था। फिलहाल अभी भी मेरा जो ग्रीन लाइन है स्टॉक उसी के ऊपर है, तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव ही है। जो नीचे की तरफ जो सपोर्ट बन के आएगा स्टॉक पर उसके देख लेंगे हम लोग। देखिए पहला सपोर्ट बन के आया 313 का सपोर्ट बन के आएगा, देन 300, देन 292 का सपोर्ट आएगा। ये सपोर्ट आप लोग ध्यान पर रखिएगा, इसी लेवल पर हम लोग को बाई करना है। और ऊपर की तरफ रजिस्ट्रेशन जो निकल के आएगा, देखिए रजिस्ट्रेशन पहला रजिस्ट्रेशन 345 का आएगा, देन 355, देन 367 का भी लेवल देखने को मिलेगा। आप चाहे तो लिख कर ले लीजिए, कोई ख़राबी नहीं है। और देखिए पिवट पॉइंट मान चाहिए, देखिए मेरा जो पिवट पॉइंट बचेगा 337 पॉइंट है फिलहाल अभी के लिए, 345, 352, देन 361 के लेवल आप लोग को देखने को मिलेगा गारंटेड। और बात करते हैं सपोर्ट की, देखिए सपोर्ट 1329 है, देन सपोर्ट 2320 है, देन 330 है। तो ये फिलहाल सपोर्ट आज के जो सपोर्ट है तो ब्रेक हो चुका है। फिलहाल नीचे की तरफ ब्रेक लिए 292 का जो सपोर्ट है वो महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा आप लोग के लिए, उसी लेवल का बाई करें ताकि आप लोग को प्रॉफिट अच्छा जनरेट होगा। देखिए स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें, देखिए लगभग 17,000 करोड़ का कैपिटल है। और देखिए डिविडेंड यहाँ पर देखिए 25% का डिविडेंड दे रहा है स्टॉक में, फेस वैल्यू 2.0 है, लेवल क्वांटिटी देखिए। स्टॉक ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, कोई खराबी नहीं है स्टॉक में।
और देखिए पूरा हम बात कर, देखिए 79% हैव टू सजेस्ट बाइंग, 7% सेलर, 14% यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और देखिए थोड़ा थोड़ी बहुत स्टॉक में कारेक्शन होगा, देखिए स्टॉक फिल टिल 362 to 341 टिल रिजल्ट डेट इज अनाउंस्ड देन प्रोबेबली इज तो इसकी रिजल्ट आने वाला बाकी है, आते ही इसको मैं थोड़ा एक मूविंग देखने को मिलेगा। अब बात कर देखिए लॉरस लैब स्टैंड लॉन जून 2020 नेट सेल्स एट 970.41 करोड़ जाम इज अ वेरी गुड न्यूज़। ये जो थोड़ा वन वीक पहले आप देखे मिलने तो क्वार्टर का है। स्टॉक होल्डिंग पैटर्न की बात कर देखिए लगभग प्लेज के पास 32.3 है। FII ने यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, देखिए बहुत ही बढ़िया मात्रा पे यहाँ पे FII ने इन्वेस्ट किया है, DII ने इन्वेस्ट किया है, फिनेंशियल म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं उठाया रखा है, बाकी ओवरऑल बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो हम लोग के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बनता है कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, विदाउट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, चाहे तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए लॉरस लैब का जो ओवरव्यू आपको बता दूँ, ये स्टॉक है डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रिलेटेड इन्वेंट्री या ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखिए मेडिसिन फार्मास्यूटिकल का स्टॉक है और जो इसके जो काम है देख ही ले आप लोगों ने, मेडिकल का केमिस्ट्री और बायोलॉजी का काम करता है ये लोग। देखिए स्टॉक मार्केट न्यूज़ लॉरस लैब शेयर गेन 1%। और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि फिर से एक नए वीडियो आप लोगों को समझ ला सकूँ।